तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। क्रिस किप्स, आई ऑलवेज से दिस वन ऑफ द बेस्ट एडिशंस जो आपको दिखा टीम के अंदर। इस खिलाड़ी में पोटेंशियल है और आपको पोटेंशियल का एक अच्छा एग्जांपल यहां दिख सकता है। गाड़ियां घुमाई जा रही हैं मगर रोकी जाएंगी या नहीं, क्योंकि ज़हर साहब कुछ ज्यादा आगे आए हैं और अब डसने को स्किप्स आगे बढ़ चुके हैं, साथ में पूरी स्क्वाड है। अगर वो बग्गी रुकी तो दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ेंगी, बट जिस तरीके से खिलाड़ियों को घुमाया जा रहा है, ये एक अच्छा मौका हो सकता है। फ्यूरी वॉज द वन हु वाज सिटिंग देयर और उन्होंने इस मौके का फायदा उठाया। एक खिलाड़ी को डाउट किया, स्किप्स की एचपी बहुत कम निकलना नामुमकिन के समान और यहाँ स्किप्स को भी गिराया जाएगा। मान्या मैजिक अब यहाँ पर चाहिए होगा, यहाँ से स्क्वाड को बचाना है। रोहनी बाजी सिटिंग इन ओपन, एक बहुत बड़ी गलती, फ्यूरी को डाउन करने का मौका था। इस पॉइंट पे टीम आई कुछोल बिखर चुकी है, मान्या अकेले बचे हैं, कंधों पे भार बहुत ज्यादा। ही स्ट्राइक इज बेस्ट, ही इज डिलीवरिंग, एक 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 करके हर एक खिलाड़ी को तंग कर रहे, बट जिस स्पीड से जहर आगे बढ़ रहे, माना को बच के निकलना पड़ेगा। ओ बगी लिया है, पिछला टायर फूट चुका है, थोड़ा सा ओपन ग्राउंड में फंस चुके आई कुछोल। बनेंगे पहली वो टीम जो इस मैच से बाहर का रास्ता देखेगी। गॉडरेन, एक अच्छी सक्सेसफुल फाइट उन्होंने अपने खेमे में डिफेंड किया। अंडरगॉड्स आज के दिन पे थोड़े अग्रेसिव खेले, जिस हिसाब से पहले मैच में देखा था, काफी बड़े नामों को पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया था, बट फिनिश फीट में थोड़ी सी उथल पुथल। टीम आई की सोल इज इन एक्शन राइट नाउ। इसी चीज की मैं बात पहले ही कर रहा था, एक नॉर्थ वेस्टर्न कॉरिडोर से एंट्री लेने की जो कोशिश है वो हर एक टीम की रहती जरूर है। मान्या नॉकआउट हुए हैं, नकुल का कवर फैला रहा है द बैटमैन, कैन ही बी द सेवियर वंस अगेन, बट उनके ऊपर भी शॉट्स आ रहे हैं। न्यू जर्नी, उनका जर्नी का थोड़ा ज्यादा जल्दी एंड हो गया था पिछले रैंगल में। मान्या नीचे है, उनको फिनिश करने की कोशिश राइजन की जरूर से है, ऑलरेडी इम्पोस्टर को गवाया है। मान्या को फिनिश करने के लिए वो आना चाहते तो है, बट जिस तरीके से जो बैकअप आया है, दिस इज हाउ कुछोल प्लेस, कोई बचने की गुंजाइश नहीं। ऑस्टिन को यहाँ पे ओपन ग्राउंड्स में पकड़ सकते, वो मौका है, बट ऑस्टिन इज वेटिंग कि अगर थोड़ा बहुत कवर फायर राइजन को प्रोवाइड करते तो शायद मौका बन सकता है। थोड़े शॉट्स लिए गए हैं न्यू जर्नी वर्सेस आई कुछोल, ये एक लंबे ड्यूरेशन का फाइट भी बन सकता है, बट अगर इसको क्विकली निपटा ले आई कुछोल या फिर न्यू जर्नी, तो इन दोनों में से उसी एक टीम का बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। नेड ऑन पॉइंट आया है, अच्छा खासा डैमेज ऑस्टिन के ऊपर आया जरूर है, बट स्किप्स, ही गोज डाउन, ऑस्टिन इज जस्ट टू बेटर, इज एब्सोल्युटली टू गुड राइट। मुझे स्किप्स का पोजीशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए गाड़ी लेके आगे थे, बट ओपन में आके खड़े हो गए थे, जिसके वजह से काफी दफा काफी डायरेक्शन से वहां पे ओपन थे, बट यहां पे देखिए मान्या को भी नॉक डाउन किया जाएगा। क्या बढ़िया एंगल पकड़ा है न्यू जर्नी ने, चारों दिशाओं से यहाँ पे आई कुछोल को घेर रखा है, और नकुल बाहर जाने की कोशिश थी, रोनी की भी बाहर जाने की कोशिश, बट पच निकलने नहीं पाएंगे शायद। शॉट्स कनेक्ट होंगे नकुल के द्वारा, राइज एंड नॉक डाउन हो जाएंगे, देयर इज नो ट्रेड पोटेंशियल व्हाटसोएवर, काफी आसानी से यहाँ पे कंफर्म करेंगे, बट क्या टीम आई कुछोल यहाँ पे स्किप्स को रिवाइव देके अभी वो तीन खिलाड़ी लेके आगे बढ़ पाएंगे नेक्रोस, सवाल रहने वाला है। एग्जैक्टली, ये बहुत बड़ा सवाल है। पहला मैच एक बहुत बड़ा सेटबैक हुआ था, स्किप्स ही इज सैक्रिफाइस्ड, उनको वहां से बचाया नहीं जा सकता है। एंड मैं इसी चीज की बात कर रहा था, आई कुछोल वो पोजीशन उनका लाको ब्रेयर का बेहतरीन था, सर्किल एंट्री में उनको ज्यादा दिक्कत होने वाली थी नहीं, बट मूव करेंगे जी, कहां कहां प्लेयर्स ऑलरेडी बैठे, क्या आई कुछोल ने यहां ध्यान नहीं दिया, बगल में खिलाड़ी और मौजूद है, वो तो एक खिलाड़ी ओपन में था। रोनी, नाउ दिस इज योर चांस, हमने रोनी को देखा है चमकते पहले भी कई दफा, हाल फिलहाल थोड़ी दिक्कतें थी, बट आई रियली ट्रस्ट दिस गाय, मतलब इनकी गन पावर है उस स्तर की, बट यहां पे नॉकआउट कैसे नहीं मिला, जस्ट वांट टू नो दैट। चलिए कोई बात नहीं, अब एक मौका रहेगा जरूर से कनेक्शन ढूंढने का, और नकुल आगे बढ़ेंगे जरूर, एचपी बहुत कम किस खिलाड़ी की, कनेक्शन आसानी से आएगा मान्या के हाथ, और यहां पर आप कह सकते हैं कि चलिए टीम आई कुछोल वो पहला फ्रैग अपना इस गेम का बना चुके हैं। धड़कने रोनी की बहुत तेज हो गई थी, बिकॉज एक मोमेंट के लिए निंजू उनके गाड़ी के अंदर बैठ गए थे, मुझे लगा था उनके पैसेंजर सीट पे बैठ गए थे, उसके बाद एग्जिट लिया, शॉटगन के तीन चार शॉट्स आए, इतने सारे पहले, बट फिर भी रोनी वहां पे सर्वाइव करते हुए टीम आई कुछोल पहला फिनिश निकालेंगे। सर्कल का एंट्री काफी आसान था, जिस हिसाब से सिली ईस्पोर्ट्स के साथ एक कोलिशन बिल्ड हो रही थी, मुझे लगा था कि शायद आई कुछोल एक आधा खिलाड़ी गवा सकते, गोलियां मत चलाइएगा, बस मैं यही आपको कहना चाहता हूँ। लाइन से वो चार गाड़ियां जा रही हैं, जाने दीजिए, एक गोली चली एक भनक लगी, पूरी स्क्वाड आपके ऊपर चढ़ती दिखेगी, सो बेटर है ट्राई टू प्ले इट सेफ। 500 लेके चल रहे हैं, कनेक्शन कितनी आएगी देखनी पड़ेगी, बट कैप्टन की बात करें, सॉरी चौथा स्टेज है लेवल वन की हेलमेट, वो भी इतनी डैमेज का, ये बात सही है, बट ऑन द अदर हैंड आई कुछोल एक फाइट में स्किप्स को यहां पे नॉकआउट किया जाएगा, रोनी पाजी इन द ओपन, कुछ कनेक्शन उनके ऊपर भी, मान्या मैजिक नहीं रुक रहा, ये वैल्यूज निकाल रहे हैं, बट एक कनेक्शन और मान्या को भी डिनाई किया जाएगा। मैक्स वो खिलाड़ी जो मैक्स सपोर्ट यहां पे दिखाएंगे अपनी टीम के लिए, मैक्सिमम एफर्ट दिखाएंगे और डैमेज बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे। टीम आई कुछोल डाउन टू द लास्ट गाय, रोनी कंधों पे भार बहुत ज्यादा, रोनी ये वो मौका जहां से आप खुद को वापस प्रूव करेंगे, पूरी तरह स्मोक की चादर और बीच में बैठा है वो अकेला खिलाड़ी रोनी, ग्रेनेड्स का बौछार लगा, मोनोटोन आई, बट अगर यहां से ये गेम बनाई हर किसी को शांत करा सकता है ये खिलाड़ी। दिवाली जल्दी आ चुकी है यहाँ पे सरदार जी, आप देखिए रोनी अभी भी सर्वाइव करने की कोशिश, बट उनको बनाया जाएगा यहाँ पे, चलाया जाएगा, एक तरफ फैटालिटी है, दूसरी तरफ हेड हंटर्स आपको देखने मिलेंगे,
खिलाड़ी को नॉकआउट किया गया। नकुल ओपनिंग तो निकाला है, फिनिश ऑफ भी किया जाएगा। फेटालिटी के अगेंस्ट वो ब्रीच इन कर रहे हैं एंड उनको वाइप कर रहे। पायदान पे जो टीम थी मौजूद उनके पास थे 20 अंक, पिछले मैप पे उनको आया था 4 अंक, तो अगर आप जोड़ दीजिए तो 22 देखिए 35 के आसपास तो हमने देखा था। फिशेस निकालने की बारी, अब वो फाइट्स जीतने की बारी, और इस बार रॉनी उनका नेट चलेगा नहीं, थोड़ा जल्दी फट गया वो नेट, बहुत ओवरकुक था, बट वहां पे ओएस नॉकडाउन है। इस मैन एडवांटेज का इस्तेमाल करना पड़ेगा सदा जी फॉर श्योर, और यहां पे वैल्यू बनानी पड़ेगी। बट आईक्यू सोल, आपको पता है कि ये फाइट एक बहुत इंपॉर्टेंट फाइट है आपके लिए। इफ यू आर मिसिंग दिस वन, यहां से वो क्वालिफिकेशन वो बहुत ज्यादा हार्ड हो सकती है। एंड सेम थिंग फॉर न्यूमन आल्सो, दोनों के लिए प्रेशर बहुत ज्यादा है। और ऐसे में आप बात करिए, पूरे तरह स्मोक्स की एक चादर आपको बिछाई दिखेगी टीम आईक्यू सोल 100 में। नाउ ही हैज बीन अ वेरी प्रॉमिसिंग प्लेयर, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है खिलाड़ी, और मुझे लगता है ये मौका है जहां पर वो वापस से शाइन कर देंगे। मान्य है 100 में है नकुल है और है रॉनी। स्किप्स को भी के लिए हल्का आराम मिला है, एक मैच स्किप किया गया है, जिस तरीके से बालकनी में बैठे हैं ना वो खिलाड़ी, अगर अंदाजा लगा, अगर भनक लगी, तो न्यूमन के प्लेयर्स को डाउन करना कोई कहा ज्यादा बड़ी चीज होगी। लगा दिस ओएस अभी वहीं बैठे, बट उनके कवर के लिए पीछे ट्रायउट साहब बैठे हैं कि ट्रेड तो ले लेंगे। ये फाइट बहुत अमेजिंग होने वाली है, कौन वो एक टीम है जो जीतना कुल एचपी कम की कुछ शॉट्स पड़े जरूर से हैं। ऊपर बैठा है वो खिलाड़ी, अगर उन्होंने स्पॉट किया मान्या को, निकला मान्या ने स्पॉट किया, मान्या ने ओपनिंग बनाई। अब यहां से गेम पूरे तरीके से एक अलग मोड ले चुका है। निंजू को डाउन किया, एंट्रीज की वो तलाश करेंगे, और अब ओएस और पीछे एश, इन दो खिलाड़ियों के कंधों पे बहुत ज्यादा भार है। फिलहाल के तो आईक्यू सोल ने वो फिनिश ट्रिगर भी दबा दिया, अभी उनको पता है कि वो अग्रेसिव जाना चाहते हैं, उनको पता है कि उनको फिनिश की तलाश है। जैसे ही वो नॉक निकला मान्या की तरफ से, वो गो कॉल आ गया, वो वॉर हॉर्न रिंग कर दिया, चलिए ऐलान कर देते कि ये जंग अभी छिड़ चुकी है। और न्यूमिन अभी बैकफायर तो नहीं करेंगे, एश कोशिश कर सकते जरूर उनको धाराशाही किया गया है यहाँ पे आईक्यू सोल के द्वारा, और चार फिनिशेस के साथ आईक्यू सोल फिलहाल के लिए तो बहुत ही सॉलिड एक स्टार्ट है। क्या होगा सोल्टी पता नहीं, यही तो एक फैक्टर है राइट, जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, जो ऊपर बैठी विशेषता हो गई, फेथ हो गई, ये लोग खेले जा रहे हैं, ये लोग मारे जा रहे हैं, ये लोग रुकने का नाम ले रहे हैं, और उसी के चलते यहाँ पे टीम्स जो मिड पैक में है करंटली वो स्ट्रगल करते दिखेंगे। मान्या यहाँ पे नॉकडाउन हो जाएंगे, रॉनी के पास डेफिनेटली ज्यादा पोजीशन तो है नहीं, अभी सर्कल के बाहर अभी भी मौजूद पता है, सर्कल के अंदर घुसेंगे तो क्या वो सेफली घुस पाएंगे, काफी सारे सवाल यहाँ पे उठ के आते हैं। बट गॉड्स इनकी अगर आप बात करो, शॉट्स दिए गए थे फेट के अगेंस्ट साथ है। Now, this is not like a good. आईक्यू सोल को जल्दी एंटर करना पड़ेगा, पीछे खिलाड़ी चेस कर रहे हैं, बगल से गोलियां चल रही है, प्रेशर बहुत ज्यादा है। रॉनी अब यहां पे एक सुप्रीम गेम दिखाना पड़ेगा, नकुल की स्किल ऑलरेडी बहुत कम की है। बैटमैन यू नीड टू सर्वाइव, यू नीड टू सेव द सिटी, और क्या यहां पर फेथ है बैक ऑफ कैच, यहां अगर फिर थोड़ा कमिट करते रिस्क बहुत बढ़ जाता टीम आईक्यू सोल के लिए, बहुत ज्यादा बढ़ सकता था। बट टीम आईक्यू सोल यहाँ पे कौन सी रोटेशन लेने की यहाँ पे आवश्यकता थी मुझे समझ नहीं आया, बट रॉनी को देखिए आप थर्ड पार्टी में घुसते हुए क्या यहाँ पे फिनिशेस निकाल पाएंगे, कितने फिनिशेस मिले उनको देखना पड़ेगा। बट फिलहाल के लिए अभी भी रॉनी का शॉटगन चलता हुआ दिखेगा आपको, गुजरात टाइगर्स एलिमिनेट हो जाएंगे जरूर, बट रॉनी के लिए भी मुसीबत, फेथ यहाँ पे आएंगे, एक नॉक मिला था जरूर, बट बैक स्टैब, इट्स अ नंबर्स गेम, इट्स अ ट्रेड गेम, और नकुल वहां पे थे ही नहीं उनको बचाने के लिए। अब 5 अंकों के साथ मुझे लगता है आईक्यू सोल को बस प्लेसमेंट के लिए खेलना पड़ेगा सदा जी। देखिए टॉप 6 में आ चुके हैं, टॉप मौका है यहां से 5 अंक आपके पास, पोको वो डाउन हो गए। फिलहाल के लिए टीवी टॉपर्स के बीच में एक जंग हो रही है, फेथ और विशिष्टा आपस में ये लोग भिड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि कौन है सबसे बेस्ट इस लॉबी के अंदर, किसका है दमखम सबसे ज्यादा। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि दोनों टीम्स बैक ऑफ कर जाएंगे, दोनों टीम्स चिकन डिनर के लिए खेलेंगे, पर मिनी मैप में मैं देख सकता हूँ कि कॉन्स्टेंट शॉट्स आ रहे हैं विशिष्टा की तरफ से, और फेथ फाइनली शायद अभी मूव करेंगे, फाइनली शायद ये लोग जाएंगे सर्कल के अंदर, बट यहाँ पे क्या हो गया, नकुल यहाँ पे पिक ऑफ हो जाएंगे, आईक्यू सोल एलिमिनेट हो। Thanks for watching this video. Subscribe for more videos.